नमस्कार कृषक मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं रोहित कौशिक, और जैसा कि आप देख रहे हैं, कैप्सिकम के साथ सहभागी फसलें मिर्च और साथ में गेंदा लगाया गया है। ये हर पंक्ति में बीच बीच में किया गया है। नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक फसलों के साथ सहभागी फसलें ऐड की जाए, और साथ में जो ये लाइन दिख रही है इसमें धनिया लगाया है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो घास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो साथ में हर लाइन में वरे से वरे तक एक तरफ चलने के लिए बन जाए इतना सा भाग, और इतने भाग में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धनिया उगना शुरू हो गया, तो धनिया लगाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कैप्सिकम नेचुरल और विदाउट केमिकल, इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक उपयोग में नहीं लाया गया है। आगे मैं आपको, ये देखें आप, बहुत ही सुंदर दिखता है ये गेंदा। और प्राकृतिक खेती में यही है कि एक फसलों के साथ हम दूसरी फसलों का चुनाव करते हैं, तो बहुत सी समस्याएं हमारी सॉल्व होती है, ये देखें। और बीच में इस तरह के ट्रैप, ताकि हमें अपने शत्रु कीटों से भी निजात मिल सके। आपको कोशिश करूंगा दूसरे खेत में ले जाने की। जिसमें एक फसल के साथ इसमें भी दूसरी फसल का चुनाव किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फूलों के साथ गुलदाउदी के साथ खीरा सहभागी फसल के रूप में लगाया गया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें इस बार करनी पड़ी, क्योंकि खीरा देख रहे हैं आप, वीड्स जो है, खरपतवार है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी हम इसमें कामयाब हुए नेचुरल फार्मिंग में 4 सालों से। और अब ऐसा लगता है कि प्राकृतिक कृषि एक सुनहरा अवसर है